وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعريفين الله کے لئے ہیں ہم اس مدد اور طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے عز وجل جل کی خود کی برائیوں जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह महम्मद के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर उनके पर उनके सहाबा पर असल वरम्ह वरकत सूरहूद के बारे में हम पहले भी ले चुके थे कि सुरहूद एक ऐसी सूरत है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया यानी आप सल्लल्लाहु जो है इसमें जो बातें हैं वो इतनी सख्त है कि आप जो है इन आयतों को वो करके बहुत फिक्रमंद होते थे तो स्पेशली जो है ये आयत वन हंड्रेड ट्वेल्व है इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है जैसा हुक्म दिया है आप वैसे ही करना तो आप के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको फ़िक्र थी कि आपने अपना काम सही किया या नहीं किया ये बहुत ही सीरियस आयत है फिर आगे अलग अलग कह रहे हो तरकन और न तुम झुको या माइल हो या राखिब हो इधी उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया वरना छू लेगी तुमको आग यानि अल्लाह तला अगर कह रहे हैं कि अगर तुम जो है जुल्म करने वालों की तरफ झुकोगे जालिम यानि काफिर है मुशरक है तो थोड़ा भी उनकी तरफ झुकोगे इंक्लाइन हो गल हो गे तो आग की लपेट में आ जाओगे क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में फिर तुम उन्हीं की तरह काम करने लगोगे अगर हम देखेंगे तो हमारी शादियां हमारी दावतें इवन हमारी इबादतें, जैसे मीलाद ले लीजिए क्रिसमस की तरह लाइट्स लगाई जाती है फिर अलम ले लीजिए गणेश की तरह अलमों को बिठाया जाता है नवरात्रि ले लीजिए जागने की रात जो है उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हम करते हैं या फिर अब आप देखिए ऊत का शरबत वो लोग भांग पिलाते हैं होली में तो हम ऊँध का शरबत पिलाते हैं तो उनके असर से बुरके उतर गए दाढ़ियाँ कट गई तो अब आप देखिए अल्लाह ताला कह रहे ज़रा भी उनसे ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स दी हूँ ऐसे आप खुद कई एग्जांपल्स निकाल सकते हैं इनफैक्ट मैं तो आपको इनवाइट करूंगी कि आई एल गिव यू वन असाइनमेंट कि उनके इन्फ्लुंस में हम ऐसे कौन कौन से काम कर रहे हैं जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है या फिर जो हमारी मुसलमान होने की पहचान से हमको हटा रही है तो सोचिए लिखिए टाइटेड डाउन तो अल्लाह ताला कह रहे कि थोड़ा सा भी तुम उनकी तरफ रागब होगे थोड़ा सा भी उनकी तरफ मायल होगे थोड़ा सा भी उनकी तरफ इंक्लाइन होगे तो फिर तुमको छू लेगी आग आग तुमको भी पकड़ लेगी वमा अलकुम और नहीं होगा तुम्हारे लिए मिन दून अल्लाह के सिवाय मिन औलिया कोई मददगार फिर ना तुम मदद दिए जाओगे यानी अगर एहकाम पर नहीं चलोगे तो मदद नहीं होगी सलात। और कायम करो नमाज दोनों किनारों पर अनहारा दिन के यानी अब दिन के किनारा यानी सबसे पहले तो हो गई जो है फजर उसके बाद जो है जोहर और असर क्योंकि दिन में हुई फिर मिनल लेल रात में यानी फिर जैसे ही सनसेट होता है मगरिब और ईशा तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम नमाजों को जो है कायम करो अब ये जो है क्योंकि सुरहूद मक्की सूरत है तो बिगिनिंग में फ़जर मगरिब और ईशा पर स्ट्रेस किया गया था क्योंकि पांच वक्त की नमाज़ें जो है अभी फ़र्ज नहीं हुई थी और सही हदीस में है आप्लम तो फरमाते हैं कि मैं बतलाऊं तो कि अगर तुम में से किसी के मकान के दरवाजे पर ही नहर जा रही हो और वो इसमें हर दिन पांच मरतबा गसल करता हो तो क्या उसके जिसम पर जरा सा भी मैल बाकी रह जाएगा लोगों ने कहा हरगिज़ नहीं तो आप तो ने फरमाया बस यही मिसाल है पांच नमाजों की के इनकी वजह से अल्लाह तला खतए और गुना माफ फरमा देते हैं और सही मुस्लिम एक हदीस है जिसमें आप फरमाते तो हैं हैं कि पांचों नमाजी और जुमा जुमा तक और रमजान रमज़ान तक का कफारा है जब तक के कबीरा गुनाहों से परहेज किया जाए और एक की हदीस है हर नमाज अपने से पहले की खताओं को मिटा देती है बुखारी में एक और जगह है कि किसी शख्स ने एक औरत का बोसा ले लिया फिर आप से अपने इस गुनाह जाहिर किया तो उस पर ये आयत उतरी उसने कहा क्या मेरे लिए ही ये मखसूस है आप नहीं बल्कि मेरी सारी उम्म के लिए यही हुक् है क्या है ये आयत आगे की जो है वो मैं बता रही हूँ इन नसनाती बेशक नेकिया युद्ध हिबना ले जाती है असई आद बुराइयों को ये बहुत ब्यूटीफुल आयत है इसको जो है तो हाईलाइट कर, कर रख लीजिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक नेकियां ले जाती है बुराइयों को यानी जो छोटे छोटे गुनाह हमारे सगीरा गुनाह होते हैं हसनात हसन है हाथी नून से हसन से ब्यूटीफुली करना परफेक्टली करना सब चीज है तो नेकियां जो हम ब्यूटीफुली एंड परफेक्टली करते हैं वो दे एक्ट लाइक एन इरेजर वो इरेज करते हैं और या फिर डिलीट करते हैं किसको अपने गुनाहों को ये एक नसीहत है जिक्र करने वालों के लिए यानी अल्लाह ताला एक फार्मूला दिए हैं कि इसको याद रखोगे तो फायदा उठाओगे बार बार नेकी करते रहो नेकी का मौका गवाओ मत ये सोचो मत अच्छा ठीक है अक्सर लोग करते हैं मौका देख के कर लेंगे फलां तो कर नहीं ने, नकियाँ बढ़ चढ़ कर, करो ताकि इट विल वर्क लाइक एन इरेजन गुना तो हम चाहते हुए अनजाने में जाने किसी न किसी तरह हो ही जाता है लेकिन जब नकियाँ करते हैं तो फिर सगीरा गुनों, गुनाहों को वो वाइप आउट कर देता है अपने आप को रोकना चीखना नहीं चिल्लाना नहीं इवन अगर कोई बात अपने मर्जी के खिलाफ है कुछ भी है तो उसको नेगेटिवली रियक्ट किए बिना चीखे चिल्लाए बगैर जो है कम्यूनिकेट करना है फ़िनलादियासिन तो बेशक अल्लाह ताली नहीं ज़ाया करता अजर एहसान करने वालों को यानी जिनके ईमान में अमल में एहसान है ब्यूटी फुल करते हैं परफेक्टली करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं तो अल्लाह ताली उनके अजर को ज़ाया नहीं करते फ़ल फिर क्यों ना काना थे मिनल क़ुरूनी कौमों में से या ज़मानों में से यानी जिस मुसलमान थे उम्मती थे मिन कब्लिक तुम से पहले उलू बक़ी

सब दौलतमंद लोगों की पैरवी करते रहे क्योंकि असल कामयाबी जो है उनको दौलत नजर आती थी हर किसी हर कोई जो है अमीरों की पैरवी करना चाहता है उनकी तरह बोलना पहनना चलना उनकी तरह पार्टीज करना चाहता है उनकी तरह घर सेट करना चाहता है अमीरों की तरह शॉपिंग करना चाहता है तो ये नहीं तो मतलब जो जाहरी माल दौलत देख रहा है उसी को असल कामयाबी समझता है लेकिन कोई जो है सुन्नत को फॉलो नहीं करना चाहते आखिरत की कामयाबी वो नहीं रख रखते पहनने ओढ़ने चलने फिरने में सुन्नत क्या है ये नहीं देखते मोमिनीन का क्या तरीका है ये नहीं देखते तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दौलत दिए गए उनकी जो है सब पैरवी करते हैं वकान और थे वो मुजरिम यानी जो ये दौलतमंद लोग थे वो क्या करते थे या फिर जिनकी लोग पैरवी करते थे वो लोग तो मुजरिम थे और मुजरिम क्या है जुर्म का मतलब कानून के खिलाफ जाना और एक कानून की खिलाफ वर्जी ये क्या चीज है अल्लाह ताला ने हम को जो है कानून कुरान और सुन्नत की शक्ल में दे दिया है और फिर लोगों को नेकी की तरफ बुलाना जो है वो लोग ये नहीं किए यहाँ पे एक हैंडफुल ऑफ पीपल के बारे में बताया है जो नेक थे तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो लोग गुमराह हुए वो इसलिए हुए कि जो ईमान वाले थे दे नॉट पुट एफर्ट्स टू कॉल पीपल टूवर्ड्स नेकी तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमानत है ने, खुद अमल करना नहीं है लेकिन लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाना है और अक्सर लोग जो है दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे नेकी की तरफ बुलाने में भूल जाते हैं नंबर वन अगर हम किसी को नेकी की तरफ बुलाते हैं तो किस लिए बुलाते हैं सो so दैट वो अपना अमल सही करे लेकिन आज कल नाइन्टी एट परसेंट ऑफ पीपल मैं जो अपने आस पास देखती हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट स्कॉलर्स आई एम स्पीकिंग अबाउट कॉमन पीपल वो लोग नेकी की तरफ लोगों को इस तरह से बुलाते हैं कि दे डोंट वॉन्ट टू डू अमल ओनली वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं यानी आप क्रिटिसिज्म से उनको बुलाएंगे आप गुस्से से उनको बुलाएंगे आप उनको अपनी इवन आवाज की आपकी टोन ऐसी होगी कि आप उनको उस तरह से बुलाएंगे कि दे विल नॉट लाइक यू दिल नॉट लाइक यू और बात ऑल्सो आप जो कह रहे हैं वो सुनने को भी वो तैयार नहीं होंगे इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दीन की तरफ आप जब बुलाते हैं तो सामने वाला एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है क्योंकि वो अटैक लगता है तो जब आप यहां से अटैक करते हैं वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है तो आपका इंटेंशन क्या है आप क्या उनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं क्या आप अपने आप और अक्सर ये होता है कि अपने आप व्हाट व्हाट आई एम डूइंग डूइंग इज 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 राइट एंड सामने वाला तो क्या आप सामने वाले को हक की तरफ क्या रीजन और क्या इंटेंशन और क्या ऑब्जेक्टिव से बुलाते हैं ये याद रखना है और आपका बुलाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यू गेट योर यू आर सक्सेसफुल इन योर ऑब्जेक्टिव जो मकसद है आपका जो काम करना है आपका उसमें आप सक्सेसफुल होना है ठीक है तो फिर इसके लिए क्रिटिसिजम विल नॉट वर्क इसलिए इसके लिए अटैक विल नॉट वर्क इसके लिए सामने वाले को लेटिंग हिम और हर डाउन विल नॉट वर्क अक्सर ये होता है कि जैसे दीन की तरफ बुलाना है आप फौरी शुरुआत है मेरा काम है सही की तरफ बुलाना हक हाँ बताना आप गलत है आप कुरान और सुन्नत नहीं फॉलो कर रहे आप बिद्दती है आप ऐसा नहीं कर रहे यू आर डूइंग दिस रॉन्ग आप तो जहन्नुम में जाएंगे इस तरह से अगर कोई बुलाएंगे तो विल दैट पर्सन रियली कम टूवर्ड्स वॉट यू आर कॉलिंग नहीं कभी भी नहीं होगा दिस इज क्रिटिसिज्म दिस इज अटैक अटैक से जो है कभी भी दिल नहीं जीते जा सकते अगर हम आप अलैहि वसल्लम की तरीक़ा देखें साहबा कराम करते उनकी बात ऐसी थी उनका बुलाना ऐसा था उनकी दीन की तरफ दावत ऐसी थी कि लोग फौरी के फौरी ईमान लेकर आते तो हमारा तरीका भी ऐसे होना चाहिए कि लोग हमारी बात सुने और वो बात में कंपैशन हो वो क्योंकि हम सामने देखिए सामने वाले के लिए लव कंपैशन हमदर्दी वेल विशर अगर हम उनके होंगे तभी वो लोग हमारे बात मानेंगे ना तो हमारी बात में कंपैशन होना चाहिए नॉट ओनली बात एक्चुअली जब दिल में होगा तो जबान में आएगी तो दिल में ही कंपैशन नहीं होता तो जबान में कैसे आएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही थोड़ा दीन सीख लेते ये गुरूर ये तकबर ये अकड़ आ जाती है कि आई नो एवरीथिंग एंड आई एम राइट बाकी सब गैप जो है ना जहन्नुम में तो ये एटीट्यूड से हम कभी भी किसी को भी नहीं बोले आपको ये सूरत बूढ़ी करती थी फिक्रमंद होते थे हम कितने फिक्रमंद है कि सामने वाला जहन्नुम में ना जाए अगर फिकर होगी अब आप देखिए कि जब कोई हमारा अपना हो अपना भाई अपना बहन अपना दोस्त आग में गिर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे वो मारेगा वो तोड़ेगा वो हमसे झिड़केगा तब भी हम उसको खींच के लाएंगे नहीं उसको आग में नहीं गिरना है क्या इतना रहम अपने दूसरे मुसलमान भाई और बहनों के साथ करते हैं वाई डू वी वॉन्ट टू अटैक दम ऑलवेज वाई डू वी वॉन्ट ऑलवेज टू लेट देम डाउन ये तरीक़ा नहीं होना चाहिए जब हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं हमारी बात ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद आए हमारी बात हमारे इंटेंशन में जब कंपैशन होगा लव होगा मोहब्बत होगी रहमत होगी उनके लिए खैर खा होगी निकलेगी हमारी जबान से सारी चीज़ें तो जब हम बात करें तो लव कंपैशन होना चाहिए उनके लिए खैर खा होना चाहिए बात ऐसी करना चाहिए कि वो माने वो हक़ की तरफ आए और वाक है वो जन्नत हासिल करें तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद रखना है और दूसरा जो है क्योंकि अल्लाह ताला हमको बता दिए कुंतुम खैरा उम्मिन उखरीजतलिनन्नास पहले हम ले चुके किस लिए मरूना बिलमूफ व तनहऊना अनिल मुनकर तो अल्लाह ताला ने हमें अपना काम बता दिया है कि दुनिया में हमें क्या करना है कि एक तो जो है लोगों को नेकी की तरफ बुलाना है और दुनिया की दौलत जो है वो साइन नहीं है किसकी या इससे पता चलता है कि सक्सेसफुल uh, होने की तो दुनिया की दौलत जिसके पास है उसके पीछे नहीं जाना है उनकी पैरवी नहीं करना है तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है तिरमिदी की एक खदी से असलम कहते हैं कसम है इस बात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम्हें आरूफ का हुक्म करना होगा और मुनकर से रोकना होगा वर ना अजब नहीं कि अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अजाब भेज दे फिर तुम उससे दुआ करने लगोगे और तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी अब यहाँ पे दो चीजें हैं देखिए अगर लोगों को नेकी की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो नंबर वन दुआएं कबूल नहीं होगी नंबर टू जो है अल्लाह तला का अज़ाब आएगा तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कुछ लोग ही बहुत कम लोग थे जो निकी की तरफ बुलाते और बुराइयों से तो फिर अब लोग क्या किए दौलतमंद लोगों के पीछे पड़ गए और दौलतमंद लोग जो है वो थे ही मुजरिम और आज भी अगर देखेंगे तो दौलतमंद लोगों के पीछे पड़कर जो है उनकी तरह पहनना उनकी तरह खाना उनकी तरह शॉपिंग उसमें नमाजें गई उसमें रोजे गए उसमें दीन गया उसमें पर्दा गया उसमें सब कुछ जो है चला गया अल्लाह महफूज रखे और दीन पर कायम रहने वाले हमको बनाए और सुनते नबी वसल्लम और उनके अजवाज की सुन्नतों को फॉलो करने वाला हमको बनाए आमीन वही है तेरा रब का के हलाक कर दे अल खुरा बस्तियों को भी जुल्मुल अल्लाह ताला की जो है पकड़ वो जुल्म नहीं है वह अहलूहा जब के उसके रहने वाले मुस्लिम इसलाह करने वाले है यानी ये कभी भी नहीं हुआ की अगर कोई बस्ती वाले इसलाह करने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने उनको नहीं पकड़ा तो अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी की पकड़ होती है किसी की अजाब आता है किसी को सजा मिलती है तो वो खुद अपने आप के ऊपर जुल्म किया अल्लाह ताला जो इस्लाह करने वाले और नेकी करने वालों के ऊपर अजाब नहीं लाते वल उशा और अगर चाहता रब तेरा रबनास अलबत् कर देता लोगों को उम्मतव वाहिदत एक उम्मत यानी सब के सब मुसलमान हो जाते अगर अल्लाह तला चाहे वला यजालूना और हमेशा रहेंगे मुख्तलिफिन इख्लाफ करने वाले यानी अल्लाह तला ने जबरन ऐसा नहीं किया और लोग अलग अलग रहे कोई मुसलमान बना कोई काफिर बना कोई अमीर बना कोई गरीब बना हर तरफ अख्तिला है और ये इख्तलाफ़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है कि कौन अल्लाह ताला का रहता है। और फिर शुक्रगुजार बनते हुए कौन अल्लाह रहमत का मुस्तक होता है और कौन अल्लाह ताला के गजब का मुस्तक होता है मगर जिस पर रहम करे रब तेरा यानी ये लोग इख्तलाफ में नहीं होते हैं तो अल्लाह तला का ये रहम है कि डिफरेंसिस नहीं होते कोई जो है अक्सर आप लोगों को देखते हैं हमेशा इख्तिला स ऑफ ओपिनियन झगड़ा ये हो लेकिन बात लोग जो है बिल्कुल मुतमिन होते हैं खामोश होते हैं एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को जो है रिस्पेक्ट करते हैं तो जिनके पास ये चीज आ जाती है अब यहाँ पर देखिए अल्लाह का रहम जिसके ऊपर होता है वो अख्तलाफात में नहीं पड़ता है बल्कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है वाली का खालाह हम और इसी उसने पैदा किया इनको यानी रहम करने के लिए ही तो अल्लाह तला ने इंसान को पैदा किया इख्तलाफ ना करने के लिए तो अल्लाह तला ने पैदा किया व

रसूलों की खबरों में से मान सब बितु जो हम मजबूत करते हैं फुआदक साथ उसके तेरे दिल को यानी सब रसूलों को उनकी कौमों ने सताया सिर्फ उन लोगों को ऐसा नहीं था कि आप वसल्लम को तकलीफ हुई या साहबा कराम को तकलीफ हुई या आपबा को जंग वहद में जंग बदर में तकलीफ हुई लेकिन फिरओन ने भी तो मजा के कौम को तकलीफ दी कौम आज कौम सम के साथ क्या मामला हुआ ये भी तो जो है देखिए लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या हुआ तमाम नबियों को और उनके फॉलोअर्स को बचा लिया गया तो उसी तरह यहाँ पर आप को और सहाबा कराम को ये कहा जा रहा है कि तुमको भी जो है फाइनली कामयाबी मिलेगी व अकफी और आ गया तेरे पास फी हाजी ही इसके बारे में अलक यानी कुरान भी हक है यह वाकयात भी हक है व माओजन और नसीहत व जिक्र और याद दिहानी ईमान लाने वालों के लिए ए मोमिन ये वाकयात याद

करने वाले हैं यानी जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वो हम अमल करेंगे जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो वंग और इंतजार करो इन्ना मंग बेशक हम इंतजार करने वाले हैं यानी नीन के ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी हम समझाए नेकी की तरफ बुलाए बुराई से रोके अब तुमको जो करना है करो ये नहीं होगा अब आप देखिए इवन ये मक्के में इवन मदीने में इस्लामिक स्टेट होने के 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 बाद भी कभी भी कभी किसी ऊपर तलवारों जोर से नमाज नहीं पढ़ाया गया जो नॉन मुस्लिम था उसको छोड़ दिया गया उसको जो है फाइनली तो निकाल दिया गया लेकिन मुस्लिम स्टेट्स में भी जिजिया देकर रहने की इजाजत दी गई कभी भी जोर जबरदस्ती तलवार से हम किसी तलवार हो गन हो फोर्सफुली किसी को भी दीन के ऊपर ना हम चलवा सकते हैं ना चलवाने का हुक्म है छोड़ देना है लाही और अल्लाह के लिए ईब उसमा वल अर्द गैब आसमानों का और ज़मीन का यानी अल्लाह ताला को आसमान और ज़मीन के के ग़ैब का तमाम इल्म है हमें अपने जिस्म का जो है ख़ुद इल्म नहीं है कि हमारे जिसम में कितने सेल्स है कितने बाल हैं अंदर कितनी बीमारियाँ हैं लेकिन अल्लाह ताली को आसमान और ज़मीन के पास प्रज़ेंट सब का है इले ही और उसकी तरफ यऊ लौटाए जाते हैं अल अमरकुल्लू मामला सारे के सारे यानी फिर वार्निंग दी जा रही है अल्लाह तला को ना के इल्म है ना के उससे कुछ छुपा हुआ है लेकिन उसी की तरफ सब चीज़ों का लौटना है हम किधर जा रहे हैं हम कहाँ वो कर रहे हैं अल्लाह की तरफ मामले लौटाए जाएंगे अल्लाह ताला खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है कोई किसी से डिस्कशन नहीं होगा कोई कमिटी नहीं होगी किसी से मशवरे के बाद हमारा फैसला नहीं होगा लेकिन एक अल्लाह ताला अकेले हमारा फैसला करेंगे तो फिर क्या करो फूह बस इबादत कीजिए उसकी यानी अब इबादत क्या चीज़ है सबको मालूम है सब मामले अल्लाह के पास जाना है हमको भी अल्लाह के पास जाना है तो उसी की इबादत करो वह तोल अल और उस पर तोल कीजिए तो अल्लाह के ऊपर तवक्ल करना है खुद पर नहीं मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं फुला हूँ या फिर फुला मेरी मदद करेगा फुला बचा लेगा फुला दुनिया और आखरत के मामले हर कर देगा तो अल्लाह पर तोल करो वमा रबू कभी गाफिल अम्मा तामलोन और नहीं रब तेरा गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो यानी आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है हर अमल हर हरकत हर मूवमेंट चाहे वो इबादत हो हमारी तोल हो चाहे हमारा कोई काम हो सब अल्लाह ताला को पता है तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए मुस्लिम बनकर आबिदून बनकर पूरे का पूरा सरेंडर होके अल्लाह ताला का होके हमको अपनी जिंदगी गुजारना है तो अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमल करवाए जो अल्लाह ताला को राज़ी करे और ऐसे जो है तमाम चीज़ों से हमें अल्लाह महफूज रखे जिससे अल्लाह ताली नाराज़ हो जाए आमीन यहाँ पर सुरहूत कंप्लीट हुआ तो अल्लाह ताला हमको नेक लोगों में अम्बिया कराम के साथ देने वाले जैसे लोग थे और जो उनकी पैरवी कर कर बचने वाले लोग थे उनमें शामिल कर ले और हरगिज़ हरगिज़ हलाक होने वालों में से ना बनाए ना उनकी तरह बनाए ना उनकी तरह कोई अमल करने वाला हमको बनाए हमेशा तोहितद पर रखे लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाला अल्लाह ताला हमको बनाए और बुराई से रोकने वाला अल्लाह ताला हमको बनाए इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद भी करे क्योंकि ये हम खुद से तो अपनी जात से नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की मदद ना हो तो अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी रहमत में ढांपे रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमको अता करे फिरदौस अल आला में अंबिया कराम के साथ अल्लाह ताला हमको हमारे मतालकिन को रखे हम जो गलतियाँ किए हैं गुनाह किए हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमको इस्तार और तौबा करने वालों में शामिल कर ले और अल्लाह ताला हमारे तबाओं को हमारे गुनाहों को कबूल कर ले और हमारे गलतियों को और ख़ताओं को अल्लाह ताला माफ़ करके अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से हमारे अमाल से राज़ी हो जाए आमीन